हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी WhatsApp पे डॉक्यूमेंट से फोटो भेजना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट से फोटो कैसे भेज सकते हैं WhatsApp पे? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने WhatsApp पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप अपने फोन में WhatsApp को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम WhatsApp में डॉक्यूमेंट से हम फोटो को कैसे भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट के। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक चैट सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसको भी आपको भेजना है उसका चैट आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे ये जो आइकन दिख रहा है छोटा सा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। डॉक्यूमेंट से भेजने से यही फायदा है कि आपका जो फोटो है उसका क्वालिटी नहीं घटता है, जितना फोटो का क्वालिटी है उसी क्वालिटी में जिसको आप भेजेंगे उसको जाएगा। नॉर्मली आप भेजेंगे तो उसमें जो फोटो का क्वालिटी है वो बिल्कुल घट जाता है, वो कम हो जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट के माध्यम से अगर आप भेजेंगे तो आपका क्वालिटी जो है वो नहीं घटता है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में ब्राउज अदर डॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे फोटो यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से कहाँ पे आपका फोटो रखा हुआ है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वाला एक फ़ोटो है, इसे हम सेंड कर देते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे एक सेंड का बटन आएगा, सेंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट के जरिए यहाँ पे सेंड हो गया है। सो यहाँ पे हमारा जो ये फ़ोटो है वो डॉक्यूमेंट में सेंड हो गया है और इसका क्वालिटी जो है अब लॉस नहीं होगा। सो इसी तरह से आप जो है डॉक्यूमेंट से अपनी फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं।